हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग दोस्तों हम लोग का होने वाला है दोस्तों देवघर सिविल कोर्ट इंटरव्यू के बारे में दोस्तों। तो गाइस, हम मेरा इंटरव्यू आज था दोस्तों देवघर सिविल कोर्ट में, जो कि मैं दोस्तों अभी इंटरव्यू देके घर आ चुका हूँ। तो गाइस, इंटरव्यू कैसा रहा मेरा दोस्तों और किस किस प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ा, मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी दूंगा दोस्तों। हम लोग का इंटरव्यू में दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड का जीके से दोस्तों क्वेश्चन रहेगा। अगर आप जैसे कि अभी ग्रेजुएशन या किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी आपका एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए, क्या क्या पूछा मैं वीडियो को आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग देवघर सिविल कोर्ट दोस्तों पहुंच चुके हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं और अंदर का दोस्तों नज़ारा आपको दिखाएंगे। और दोस्तों अभी सुबह का दोस्तों 7 बज रहा है और हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिविल कोर्ट का जो ग्राउंड है उसमें अब जाएंगे और आपको दोस्तों आपको वहाँ का नज़ारा दोस्तों दिखाएंगे कि कितना स्टूडेंट दोस्तों अभी पहुँच चुका है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और किस प्रकार से इंटरव्यू होगा, कहाँ कहाँ क्या प्रोसेस है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए सारा स्टूडेंट अभी बैठा हुआ है अभी। तो गाइस, अभी हम लोग हैं देवघर सिविल कोर्ट के गेट के पास दोस्तों। यहाँ पे देखिए व्यवहार न्यायालय देवघर, यानी कि देवघर सिविल कोर्ट में दोस्तों के पास हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों अभी स्टाफ लोग नहीं आया हुआ है और स्टूडेंट सारा लगभग पहुँच ही गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ग्राउंड में सारा स्टूडेंट पहुँच गया है। अभी रोल नंबर वगैरह अभी नहीं चिपकाया गया है दोस्तों। तो चलिए आगे दोस्तों चिपकाएगा, उसके बाद दोस्तों सारा स्टूडेंट को दोस्तों हम लोग को वहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे हम लोग पहुँचे, पहुँचने के बाद दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे हम लोग का था, 7 बजे हम लोग राइट पहुँच गए थे। आपको भी समय पर पहुँच जाना है क्योंकि कहीं आगे पीछे भी हो सकता है, आपको रोल नंबर खोजने में परेशानी भी हो सकता है। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अभी रोल नंबर वगैरह का कोई अनाउंस नहीं किया हुआ है। तो गाइस, अभी सुनने में आया है कि जो जज हैं वो अभी लेट से आज आने वाले हैं, शायद 9 बजे के करीब में दोस्तों आएंगे। तो अभी हम लोग को 1 घंटा वेट करना है। तो चलिए गाइस, हम लोग 1 घंटा वेट करते हैं, तब तक घूम लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आगे मैं आपको। तो फाइनली गाइस, हम लोग का रोल नंबर चिपका दिया गया है नोटिस बोर्ड में दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अपना रोल नंबर को देखते हैं कि हम लोग का कौन सा रूम में दोस्तों हम लोग का रोल नंबर बैठा हुआ है। तो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं रोल नंबर अपना। तो आप भी वहां पे देख लीजिएगा क्योंकि हम लोग का 4 सेशन में दोस्तों ABCD यानी कि 4 सेक्शन में दोस्तों हम लोग को बाँट दिया गया था। तो मेरा पड़ा था दोस्तों सी। तो हर एक सेशन में दोस्तों 100 कैंडिडेट को दोस्तों बांटा हुआ था। तो हम लोग का रोल नंबर शुरू में ही था दोस्तों, तो हम लोग का इंटरव्यू जल्द ही हो गया था। आप यहां देख सकते हैं कि बोर्ड ए, बोर्ड बी, बोर्ड सी, बोर्ड डी, इस तरह से आपका रोल नंबर चिपका दिया जाएगा और वहां से आप चेक करके। तो फाइनली गाइस, हम लोग अपना रोल नंबर पे आ गए हैं और दोस्तों हम लोग का अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको क्या, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुका है और दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी दोस्तों हम लोग का इंटरव्यू होने वाला है। तो गाइस, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में दोस्तों आपका आधार कार्ड देखा जाएगा, आपका 10th का मार्कशीट देखा जाएगा और इंटर का मार्कशीट देखा जाएगा और दोस्तों आपका जाति, निवासी और आय, तीनों चीज़ दोस्तों आपका करंट में होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका इंटरव्यू में अलाउ करेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपका आपको एक पर्ची देगा, उसमें आपको साइन करना है और आपको डेट उसमें लिखा हुआ रहेगा कि इतना डेट तक आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आप उसमें एग्रीमेंट करा लेगा दोस्तों, उसके बाद आपको इंटरव्यू में के लिए भेजा जाएगा। तो गाइस, हमको भी उसी तरह से, मेरा इनकम नहीं था तो गाइस मैं फटाक तुरंत से दोस्तों थोड़ा देर में आप इंटरव्यू खत्म होने के बाद दोस्तों प्रिंट आउट निकाल के मैं जमा कर दिया, उससे कोई मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमको दोबारा वहां पे जाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। इस प्रकार से मैं जमा कर दिया, उसके बाद इंटरव्यू में दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या हुआ। तो गाइस, आपको अपना नाम, मैंने अपना नाम बता दिया। उसके बाद आपका पिताजी का नाम, मैंने मेरा पिताजी का नाम दोस्तों पूछा गया, मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों आप क्या करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों आपको यही पूछेगा कि आप क्या करते हैं, आप इसी को दोस्तों अच्छा से आपको जवाब देना है। अगर आप अच्छा से इसको जवाब नहीं दे पाते हैं तो गाइस आपको वहां पे हिचकिचाहट होगी दोस्तों, इसीलिए आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप
क्या करते हैं आपका पिताजी, या ये भी पूछ सकता है कि आपका पिताजी क्या करता है। अगर आप अपना बताइएगा कि मैं ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हूँ, कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ, तो गाइस आपको उसी लेवल का क्वेश्चन भी दोस्तों आपको पूछेगा। गाइस हमसे पूछा गया था कि आप क्या करते, तो मैंने दोस्तों बताया कि मैं अभी पढ़ाई तैयारी कर रहा हूँ। तो गाइस उसी लेवल से दोस्तों मेरा क्वेश्चन अभी पूछा गया झारखंड से। आप उनका कहना है कि आप अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो क्या आपको नौकरी लग जाएगा, या आप इस पद नौकरी दूसरा नौकरी लग जाने के इस पद को छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछ सकता है। तो आप थोड़ा सोच समझ के ही जवाब दीजिएगा कि आप क्या अभी क्या कर रहे हैं। तो आप उसमें बताइएगा दोस्तों, जैसे कि मैं अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हूँ, तो आपको उसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, टेंथ लेवल का बस क्वेश्चन पूछेगा। तो आज झारखंड का जीके से दोस्तों आपका राज्यपाल से क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यायाधीश कौन है वर्तमान में ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, टेंथ में दोस्तों कितना नंबर मैथ्स में है ये भी आपको क्वेश्चन कर सकता है। और रही बात दोस्तों आप साइंस से भी दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपको कर सकता था। मुझे दोस्तों साइंस से क्वेश्चन किया गया था कि गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी का मान कितना होता है दोस्तों, तो गाइस मैंने उसको बता दिया था 9.8। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन करेगा, मेरा सारा इन क्वेश्चन दोस्तों सटीक और सही था दोस्तों उसमें, और सर भी बहुत खुश हो गए और इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा से रहा दोस्तों। आगे का रिजल्ट अब क्या होता है आप देखिए दोस्तों। और तो आपको अगर इंटरव्यू आपका है तो गाइस आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपल से झारखंड लेवल का तैयारी यानी कि थोड़ा सा पढ़ लेना है उसका परिचय, उसके बाद दोस्तों साइंस से क्वेश्चन देख लेना है, उसके बाद वर्तमान में दोस्तों जो मुख्यमंत्री न्यायाधीश DC ये सब आपको वहाँ का जानकारी होना चाहिए, आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं। तो गाइस इस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ रहता है दोस्तों, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो चेक किया जाता है दोस्तों कि आप किस प्रकार से आप जवाब देते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों मेरा यही बनाने का मकसद था, आपको मोटिवेट मिल सके, आप अच्छा से इंटरव्यू दे सके। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।